हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफस्टाइल इन होम्योपैथी एंड दिस इज़ डॉक्टर साक्षी। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन के ऊपर होने वाली है, जो ट्रायल्स में भी आती है, रेस्टलेसनेस के ट्रायल्स में भी आती है। कल मैंने एकोनाइट के साथ भी इसको कंपेयर किया था, जो है आर्सेनिक एल्बम। तो ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके सिम्टम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ब्रीफ में मैं आज नहीं समझाऊंगी, डिटेल्ड में मैं इसका पार्ट सेकंड करूंगी। आज मैं आपको कुछ इसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स बताऊंगी, इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स बताऊंगी, जिससे आप समझ जाएं, जिससे आपको सिम्टम्स के थ्रू पता लग जाए कि ये आपकी आपकी मेडिसिन है और कब आप आर्सेनिक ले सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में आगे तक। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट फीचर है इसका, वो है बोथ मेंटली एंड फिजिकली रेस्टलेसनेस। एकोनाइट में मैंने सिर्फ मेंटली, एकोनाइट का पर्सन क्या होता है, एकोनाइट का पेशेंट मेंटली रेस्टलेसनेस होती है उसमें, मेंटली मानसिक तौर पे वो बेचैन रहता है, लेकिन ये फिजिकली तौर पे भी और मेंटली तौर पे भी बेचैन रहेगा। और ही इज़ अनेबल टू मूव, मतलब अंदर से फिजिकली उसको ऐसा लगेगा कि वो एक जगह बैठा रहेगा, वो उठेगा ही नहीं, क्योंकि वो खुद को, अगर वो चलना भी चाहेगा, वो इतना वीक हो जाएगा फिजिकली, इतना उसको अपने अंदर वीकनेस लगेगी कि वो उठ के चल भी नहीं पाएगा। सेकंड इज़, इसका जो सेकंड है, देर इज़ अ फियर ऑफ डेथ। ही एकोनाइट में मैंने बताया था वो फियर है, एकोनाइट का फियर नहीं है, उसमें फियर है, लेकिन एकोनाइट में क्या था, वो प्रेडिक्ट कर देता था टाइम, प्रेडिक्ट कर देता डेट, दैट इतने डेट पे, इतने टाइम पे मैं मर जाऊंगा। इसमें उसको अपनी हेल्थ का और अपनी डेथ का फियर है, ठीक है। वो कहता है कि मेडिसिन का कोई यूज़ नहीं है और मैं जल्दी ही मर जाऊँगा। नेक्स्ट है इसमें, कोई भी अगर आपको कंप्लेंट हो रही है, वो एग्रावेट हो रही है एट मिडनाइट, ठीक है, रात के समय आपकी अगर कोई भी कंप्लेंट एग्रावेट हो रही है, तो आप आर्सेनिक आँख बंद करके ले सकते हैं। इसका वेल नोन फीचर ये भी है। नेक्स्ट इसका वेल नोन फीचर है, अगर आपको गैस्ट्रिक डीअरेंजमेंट होता है कभी भी, अगर आप कुछ ठंडा खा लेते हैं या ठंडा पी लेते हैं, उसकी वजह से आपको गैस्ट्रिक ट्रबल स्टार्ट हो जाते हैं। तो बोलते हैं कि फूड पॉइजनिंग में आर्सेनिक एल्बम बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको कहीं भी बाहर के खाने से कुछ आपने खा लिया, कुछ आपने ठंडा खा लिया या ठंडा पी लिया और आपको फूड पॉइजनिंग हो गई है, तो आर्सेनिक एल्बम उस केस में बहुत अच्छा काम करती है। उसके बाद अगर मैं इसकी थर्स्ट के बारे में बात करूं, इसमें क्या है, ग्रेट थर्स्ट रहेगी बट लिटिल वाटर, मतलब कि उसे प्यास है, आर्सेनिक में प्यास है, लेकिन थोड़ा थोड़े पानी की प्यास है, थोड़ा थोड़ा करके वो पानी पिएगा। और एकोनाइट में मैंने आपको बताया था अनक्वेंचेबल थर्स्ट रहेगी, उसमें बहुत लार्ज क्वांटिटी में वो वाटर पी लेता है। तो दोनों की कंपैरिजन थर्स्ट में ये है। नेक्स्ट जो है वो है, जो पार्ट्स होंगे, अफेक्टेड पार्ट्स आर बर्न लाइक फायर एट मिडनाइट, ठीक है, रात को उसकी कंप्लेंट बढ़ रही है, तो उसको ऐसी बेचैनी, ऐसी रेस्टलेसनेस होगी, जैसे कि उसको जल रहा है, बर्निंग सेंसेशन हो रही है, जैसे आग निकल रही हो शरीर से, उसको ऐसा लगेगा। उसके बाद ही कैन नॉट बियर द साइट और स्मेल ऑफ फूड, ठीक है, कहीं से भी अगर खाने की उसको खुशबू आ जाती है तो उसे फील होगा, नॉशिएटिक या वॉमिटिंग जैसा फील होता है। ये सीपिया और कोल्चियम में भी है। अगर हम कंपैरिजन करेंगे आर्सेनिक की, सीपिया और कोल्चिकम का जो पेशेंट होता है, उसको भी स्मेल ऑफ फूड से जो है वो नॉशिया या वॉमिटिंग जैसा फील होता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर इज़ दिस, कि अगर पेशेंट है कोई भी आर्सेनिक का, आप खुद ही पहचान लेंगे जैसे ही अगर वो क्लिनिक पर एंटर करेगा या कहीं भी एंटर करता है, दूर से ही उसमें ऐसी स्मेल आएगी जैसे कि कैडेवर की स्मेल आती है, ठीक है। कैडेवर का मतलब जैसे कि जो बॉडी होती है ना, उसमें से वैसी स्मेल आएगी, तो आप पहचान लेंगे कि दिस इज़ अ आर्सेनिक पेशेंट। तो नाउ मूव टू द लाइक्स। लाइक्स का मतलब उसे क्या पसंद है और डिसलाइक उसे क्या नहीं पसंद है। हमेशा जब भी केस टेकिंग लें तो लाइक्स और डिसलाइक्स भी ज़रूर पूछिएगा। तो आर्सेनिक के पेशेंट को क्या पसंद है, वार्म फूड्स और ड्रिंक्स, ठीक है, उससे वो बेटर होता है क्योंकि कोल्ड फूड से उसके गैस्ट्रिक ट्रबल्स और गैस्ट्रिक रीअरेंजमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। सॉर थिंग्स उसे पसंद है, लाइक पिकल हो गया, लेमन हो गया, विनेगर हो गया, उसके साथ साथ फैटी फूड्स उसे पसंद रहते हैं और मीठा भी उसे बहुत ज़्यादा पसंद होता है।
सो स्फेयर ऑफ एक्शन कहाँ है आर्सेनिक एल्बम का, कौन कौन सी हमारे ऑर्गन पे कहाँ कहाँ ये इफ़ेक्ट करती, मतलब कहाँ कहाँ इसका काम है। सबसे पहले जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर बहुत अच्छा काम करती है, लीवर पर, हमारे जो म्यूकस मैम्ब्रेन है, उसके बाद हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पर, स्टमक, इंटेस्टाइन हो गए, जॉइंट्स पर, ठीक है, अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, उस पर, हमारी स्किन पर और म्यूकस मैम्ब्रेन पर इसका बहुत अच्छा काम है। सो नेक्स्ट इज़ फियर। अगर आर्सेनिक पर्सन की फियर की बात करें कि किस चीज़ का उसे डर बना रहता है, फर्स्ट इज़ बीइंग अलोन, अगर वो अकेला है, ठीक है, अकेले रहने से उसे डर लगता है। नेक्स्ट इज़ फियर ऑफ घोस्ट, ठीक है, भूतों से, डार्कनेस है अगर उससे, अपनी फैमिली इश्यूज से, फैमिली के किसी भी पर्सन के हेल्थ से रिलेटेड इशू से, अपनी जो उसकी बीमारी है, अपनी जो इलनेस है, उससे डर रखता है उसको, क्योंकि फियर है इसमें डेथ का और अपनी ही हेल्थ का, तो उसे इसका डर लगता है। एक है पॉवर्टी का, उसको डर लगता है। सो नेक्स्ट मूविंग टू अनदर सिम्टम और अनदर मेंटल जो है वो क्या है, आर्सेनिक का जो पेशेंट होता है उसमें इनसिक्योरिटी रहती है। इनसिक्योरिटी का मतलब इसमें ये नहीं है जैसे नॉर्मल पर्सन होता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, स्टेज फियर है, इसलिए उसको इनसिक्योरिटी हो रही है, या अपने किसी प्रोफेशनल वर्क से रिलेटेड उसको इनसिक्योरिटी हो रही है, नहीं, इसमें इनसिक्योरिटी किस चीज़ पर है, उसकी अपनी हेल्थ को लेकर, ठीक है, उसकी अपनी जो डिज़ीज़ चल रही है, अपनी इलनेस है, उसको लेकर उसको इनसिक्योरिटी रहती है। नेक्स्ट इसमें जो आता है डिपेंडेंसी। आर्सेनिक एल्बम जो रेमेडी है वो अगर आप रूब्रिक में देखेंगे रिपर्टरी में जाकर, तो डिज़ायर कंपनी, आर्सेनिक एल्बम रूब्रिक आता है डिज़ायर कंपनी, इसको कंपनी की ज़रूरत रहती रहती है। आर्सेनिक का जो पेशेंट होता है उसे चाहिए कि मैं लोगों से घिरा रहूं या मेरे आसपास लोग हों, नॉट बिकॉज कि उसे इंटरेक्शन चाहिए, बट बिकॉज उसको अपनी डर है कि मैं अकेला ना रहूं, उसको अपनी बीमारी का डर रहता है कि अगर मैं बीमार हो जाऊं तो मेरे आसपास कोई रहे, क्योंकि वो उसको झेल नहीं पा रहा है, ठीक है, वो उसको झेल नहीं पा रहा है, उसको इस चीज़ की इनसिक्योरिटी है कि अगर मैं कभी भी कुछ ऐसी कंडीशन आती है मेरे साथ, कुछ ऐसे इलनेस मेरे साथ आती है, तो मेरे पास लोग रहें, मैं अकेले ना रह जाऊं, मुझे इस चीज़ का डर है, ठीक है। फॉस्फोरस का पेशेंट इनसिक्योरिटी है उसे इस चीज़ की कि मेरे पास आसपास लोग रहें, उसको इंटरेक्शन की ज़रूरत है, लेकिन आर्सेनिक में ऐसा नहीं है। आर्सेनिक का पेशेंट इनसिक्योरिटी फील करता है, उसको कंपनी चाहिए, क्योंकि उसकी बीमारी जो उसको लगता है कि मुझे, मैं अकेला उसे हैंडल नहीं कर पाऊँगा, इसलिए मेरे साथ कोई ना कोई आसपास रहना चाहिए। तो आर्सेनिक पेशेंट कंपनी मांग रहा है, कंपनी चाहिए, इसकी वजह से उसमें पॉजेसिवनेस डेवलप हो जाती है। तो एक फीचर और है आर्सेनिक का, दैट इज़ पॉजेसिवनेस। पॉजेसिवनेस उसे किस चीज़ की है, एक ऑब्जेक्ट की हो सकती है, मनी की हो सकती है, और स्पेशली रिलेशनशिप की। मैं आपको एक एग्जांपल सेट करके बताती हूँ। अगर पर्सन रिलेशनशिप में है और वो दूसरे पर्सन को सपोर्ट कर रहा है, उसमें भी उसका एक पॉजेसिवनेस से वो सेल्फिश भी बन गया है, ठीक है। अगर उसके अंदर पॉजेसिवनेस है तो आर्सेनिक का जो पेशेंट है वो सेल्फिश होता है बहुत ज़्यादा। वो ये सोचता है कि अगर मैं दूसरे पर्सन को सपोर्ट कर रहा हूँ तो उसकी नीड में मुझे वो सपोर्ट चाहिए, ठीक है। ही टेंड्स टू बी टेकर, वो टेकर रहता है। तो इस उसमें आर्सेनिक में पर्सन में ओवरऑल सेल्फिशनेस भी डेवलप हो जाती है। तो ये मैंने कुछ आपको पॉइंट्स बताए हैं आर्सेनिक पेशेंट के, कुछ सिम्टम्स बताए, कुछ मेंटल्स बताए आर्सेनिक पेशेंट के। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको डिटेल्ड में बताऊंगी फ्रॉम हेड टू टो क्या एक्शन है आर्सेनिक एल्बम का। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, स्टे ट्यून, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।